अच्छा देन थोड़ा इश्यू करा हमने, क्योंकि जब स्कैन करते हैं हिस्ट्री आपकी सब वहीं पे आ बिल्कुल जाती बिल्कुल, स्कैन करते हैं सारी हिस्ट्री आ जाती है है, आपकी। आपकी कितनी भी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी ना, एंड एक सिर्फ आपका मतलब गलत होगा कि आपने डिपोर्ट का स्टैंप नहीं बोल रहा मैं, बस गए आप और वहां से आपका डिनाई हो गया। उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो, अच्छी आपकी मतलब, क्योंकि मैंने जो रेजिग्नेशन का ईमेल था ये लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, छोटी सी चीज है ये बट कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं कि भाई रिपोर्ट कौन से नंबर पे आती है और कितनी देर में आपकी रिपोर्ट। है, तो जैसे वहां से ऊपर जाएंगे ना वहीं पे एंट्रेंस पे ही आपको वो मिल जाएगा बूथ ओके जहां पे फ्रेंड्स, वो। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई मुझसे कई बंदे पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स भी कर रहे थे कि यार मुंबई से किसी ने ट्रैवल किया हो दुबई यूएई तो उस पर वीडियो बनाओ। तो अभी प्रथम भाई है मेरे साथ, इन्होंने अभी ट्रैवल किया है, 16 को पहुंचे हैं ये, 16 नवंबर को पहुंचे हैं दुबई मुंबई से, और इनकी जो एयरलाइंस थी वो थी एयर इंडिया। तो भाई हम सारा एक्सपीरियंस ये अपना शेयर करेंगे। प्रथम भाई वेलकम, और प्लीज़ बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था और कब आपने बोर्डिंग करी, कहाँ से करी, सारी चीज़ें। श्योर डेफिनेटली, थैंक्स लॉट मैन फॉर वेलकमिंग मी। और मेरी फ्लाइट जैसे कि आपने कहा एयर इंडिया की थी, एंड मुंबई से मैंने ऑलमोस्ट फ्लाइट जो थी वो 4:30 40 मिनट पे प्रथम आई भाई थी। पहले ये बताइए कि और जो आरटीपीसीआर करवाया वो कहाँ से करवाया मुंबई में। यहाँ पे मैंने पनवेल से कराया था वो, जिसकी कॉस्ट मुझे 600 रुपी लगी थी। कहाँ पे, कौन सा नाम बता, नाम और बताइए प्लीज दोबारा। आदित्य लैब करके कुछ था एक आदित्य लैब, पनवेल में जी, तो इट्स आईसीएमआर अप्रूव्ड ऑफ कोर्स, तो और ये उसी कहाँ में पे, मैंने कौन उसके से एरिया लिए में पड़ती है, अपलाइड कौन से एरिया में पड़ती है। किया। नियर पनवेल अपोजिट शबरी होटल कैसे। अच्छा, चलिए इसे लोगों को पता चल जाएगा ना कि ताकि वो जिसको भी करवाना तो वहां से करवा सकते हैं वो। ओके हाँ पनवेल ओके में ओके, है वो भी है वाली की लैब। तो फिर रैपिड आपका वहीं पे एयरपोर्ट पे ही हुआ हाँ मतलब मुंबई, थोड़ा था हाँ मुंबई में। या तो कैसा एक्सपीरियंस था वहां पे, कितना मतलब उन्होंने कितनी देर में रिपोर्ट दी, कितने रुपए चार्जेस थे। मुंबई पे तो 4,500 है, दिल्ली पे कम है थोड़े 6,900 शायद। बट कैसा है ना, अगर आप एयर इंडिया कर रहे हो ना, सो लाइक यू हैव टू बी इन क्यू फॉर 2 टाइम्स। ओके सो फर्स्ट टाइम वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, दे लाइक चेकिंग योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जब आप पहली बार अप्लाइंग पर रहोगे बोर्डिंग के लिए, पहले तो आपको बोर्डिंग की लाइन पर रहना है, सीधे आरटीपीसीआर के लिए नहीं जाना है। वहाँ पर एयर इंडिया वाले चेक करेंगे ठीक है, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट ओके करेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि सेकेंड टाइम जब आओगे आरटीपीसीआर का रिपोर्ट लेके, तो आपको सीधा आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। बट दैट्स नॉट द केस, वो नहीं है, वो सिर्फ बोलेंगे ऐसे, फिर आपको उसके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में आपको आगे रैपिड पीसीआर के लिए भेज दिया जाएगा। तो मैंने सबर्बन से करा था, सबर्बन करके है वहाँ पे 2-3 है, तो उन्होंने मुझे 20-25 मिनट्स को दे दिया था वो 4,500 रुपीज। एंड देन उसके बाद दोबारा आके मुझे क्यू में लगना पड़ा था, क्योंकि दोबारा इतनी बड़ी लाइन थी, तो उसमें कम से कम 2-2.5 घंटे गए थे। अच्छा, तो किस चीज की लाइन थी वो, किस चीज की लाइन थी। बोर्डिंग फर्स्ट टाइम जो थी वो भी बोर्डिंग के लिए ही थी काइंड ऑफ, पर वो डॉक्यूमेंट्स पहले चेक कर रहे थे, सीधे आपको बोर्डिंग पास वगैरह नहीं दे, पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे कि अच्छा मतलब आप पहले पहले आए तो उन्होंने ओके, नहीं डॉक्यूमेंट चेक ओके। करे, फिर बोले आप रैपिड टेस्ट करवा के आओ, फिर आप वापिस आओ, फिर लाइन में लगे, उसके बाद उन्होंने फिर आपको बोर्डिंग पास दिया। ये अजीब है यार। बोर्डिंग पास दिया जी, और जिसके वजह से डिले बहुत हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट फ्लाइट मतलब डिले तो थोड़ी बहुत ही हुई थी, बट बोर्डिंग करने के लिए जो टाइम लगता है ना इमिग्रेशन एंड ऑल, बहुत टाइम कम बचा था उस वजह से। अच्छा, तो अच्छा, तो बोर्डिंग बोर्डिंग पास इजीली मिल गया या कुछ पूछा उन्होंने, पूछताछ करी। फर्स्ट टाइम जब भी कर रहे थे ना चेकिंग, जब डॉक्यूमेंट अच्छा करते तभी हैं कर रहे थे तभी बस। बहुत सवाल करेंगे आपसे, फर्स्ट टाइम जब भी कर रहे थे तभी चेक कर लेते, वो सवाल जो भी होंगे होटल बुकिंग एंड ऑल वो सब उसी टाइम कर लेंगे आपको, उसके बाद तो बोर्डिंग के टाइम कुछ नहीं पूछेंगे। अच्छा आपसे क्या पूछा मतलब स्पेशली, सॉरी आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए थे और क्या क्या चेक हुआ। वीजा था विद इंश्योरेंस, एंड मेरे 4 से 5 दिन की होटल बुकिंग थी, मैंने कनेक्टिंग वाली भी करके रखी थी, होटल बुकिंग आ गई थी अगर मांगते तो आनी पड़ जाए। और उसके बाद मेरा पीसीआर का रिपोर्ट था, सिर्फ इतना ही था मेरे। ओके ओके, अच्छा तो उसके बाद चलो आपको बोर्डिंग पास मिल गया,
और जो होटल बुकिंग आपने करी थी वो पेड थी या फिर booking.com से थी? वाली booking.com वाली कुछ बॉम्बे करके कुछ है बोले नहीं ना ये वो, लाइक कुछ बोले नहीं ना उसके बारे में? हाँ नहीं, सिर्फ क्या कंफर्म करेंगे कि ये आपके नाम की ही है ना, तो इज अच्छा, बेटर कि आपका जो ईमेल वाला है ना, तो वो स्क्रीनशॉट या फिर ईमेल दिखा दो, तो वो उसकी वेरीफाई हो जाएगा। तो भाई मतलब इतना कोई घबराने वाली बात है नहीं, अभी आप booking.com से भी कर सकते हो। और एयर इंडिया का जो है मतलब रिस्पॉन्स वो सबसे थोड़ा लो ही हो मान के चलो, लेकिन उससे अगर कोई दूसरी फ्लाइट आप करते हो तो उसमें और स्मूथ रहता है। राइट ओके यस अच्छा, तो मुंबई इमिग्रेशन पे कुछ पूछा? इमिग्रेशन पे हुआ था थोड़ा, क्योंकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जो थी पहले हांगकांग की थी, जो वीजा ऑन अराइवल होता है ना, सो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था मैं, 7 to 8 days का मेरा था ट्रैवल हिस्ट्री। ओके अगेन और एक कंट्री का था जहाँ से मुझे डिनाई कर दिया गया था, तो अच्छा दैट सिनेरियो नहीं बताना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा तो देन थोड़ा इशू करा उन्होंने, क्योंकि जब स्कैन करते हैं तो हिस्ट्री आपकी सब वहीं पे आ बिल्कुल जाती बिल्कुल, स्कैन करते हैं सारी हिस्ट्री आ जाती है आपकी। उस टाइम पे, आपने झूठ नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ करना है, वरना जो फिर हाँ गया भाई, वो उसका वो कोई इन नहीं होगा केस उसका किसी सर। बंदे की थोड़ी हिस्ट्री बैड है तो थोड़ा सा आपको एकदम जेन्युइन रहना है वहां पे, क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं जिनका कहीं किसी कंट्री से डिनाई या रिफ्यूजल हो जाता है, डिपोर्ट भी किया जाता है, तो सारी हिस्ट्री आपकी वहां पे आ जाती है। और जो भी हो आपको जेन्युइनली आप आंसर करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वहां पे आपने झूठ बोला तो प्रॉब्लम हो सकती है भाई। क्या करें, एंड दे वर सो हेल्पफुल, लाइक आपकी कितनी भी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होगी ना, एंड एक सिर्फ आपका मतलब गलत होगा कि आपने रिपोर्ट का स्टैंप नहीं बोल रहा मैं, बस गए आप और वहां से आपका डिनाई हो गया और आप रिटर्न आ गए, सो वो एक चीज आपको ना थोड़ा इशू में क्रिएट कर सकती है। सो उन्होंने मुझे स्टैंप तो दे दिया, ऐसी नहीं, तो उन्होंने फोटो वगैरह ली मेरी जो सामने लेते, एंड देन आगे मुझे बोला थोड़ा आगे आगे ऑफिस में लेके गए, देन दे टोल्ड मी वेट फॉर 2 to 3 minutes, देन दूसरा जो ऑफिसर थे दूसरे अच्छा वो आए, फिर सब उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या करते हो एंड ऑल, तो अच्छा उन्होंने जनरली बता दिया, क्योंकि दिख जाता है सामने कि अगर कुछ और बोल रहे तो। आई सेड टूर कम जॉब हंटिंग का के लिए जा रहा हूँ मैं सर, वंस का वीजा है ये वो, तो उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो, अच्छी आपकी मतलब, क्योंकि मैंने जो रेजिग्नेशन का ईमेल था, मैं सैलरी स्लिप एंड ऑल वो बताया था, इतना पैकेज अच्छा है थोड़ा। मैंने कहा सर मैं आई हैव सम फ्रेंड्स ओवर देयर एंड दे टोल्ड मी कि अभी टाइम है थोड़ा ट्राई कर लो, ज़्यादा मिल जाए शायद, तो 6-7, क्योंकि मैं 6-7 ईयर्स तो की मतलब एक्सपीरियंस आपने उनको किया। बताया कि वहां पे जाके मैं जॉब का ट्राई करूंगा, दैट्स व्हाट यू टोल्ड देम? करेक्ट, ओके टूर कम जॉब हंटिंग। ओके 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 तो फिर फाइनली क्या बोले वो? कुछ नहीं, जॉब मेरे मुझे दे दिया वो पासपोर्ट, एंड दे लाइक सो एक्सपेंसिव, यस दुबई का जो टूर है मतलब वहां पे रहने का वगैरह, जैसे आप इंडिया में सोचते वैसे नहीं है, ऐसे कहा उन्होंने। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने किया वहां कहा से। हाँ, पासपोर्ट मुझे हैंड ओवर करा उन्होंने, एंड मैं हिला नहीं वहां से, मैं उनका बस वेट कर रहा था कब वो बोलेंगे कि यस यू कैन गो करके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, फ्लाइट डिले मत कीजिए करके, अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने बोला मुझे, अच्छा, तो मैं वहां से गया, क्योंकि 30 मिनट्स ही बचे थे फोन करने के लिए, अच्छा, तो लास्ट कॉल पे हो गया मतलब, वो तो फिर कॉल करने लग जाते हैं तब तक तो। लास्ट कॉल, यस लास्ट कॉल पे थे एग्जैक्टली। ओके तो भाई देखो, ये जरूरी नहीं है कि ये आपके साथ भी होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये किसी किसी का सिचुएशन होती है, ये जरूरी नहीं कि सबके साथ होता है, इनका थोड़ा सीन थोड़ा अलग था, तो इसलिए इनसे थोड़ी पूछताछ करी बट जाने दिया। अभी के टाइम पे भाई अगर दुबई लगा लो, यूए कि किसी भी इसमें जाते हो आप, तो इतना हार्ड है नहीं, बड़ा स्मूथली आप वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि वो अभी वेलकम कर रहे हैं टूरिस्ट का, क्योंकि उनको टूरिस्ट की ज़रूरत है इसीलिए वो आपको वेलकम कर रहे हैं। राइट, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे, पैसे खर्च करोगे, उनका उनका बेनिफिट है ये, तो इसीलिए अभी अभी काफ़ी स्मूथ करेक्ट, चल रहा है। तो अच्छा, फिर एयर इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा था वहां तक जाने का? मैं ये कहूँ तो अच्छा ही था, ठीक ही बट था। थोड़ा वही हाँ डिले वगैरह जो था ना बोर्डिंग के लिए, वही थोड़ा ओके इशू था ओके मुझे लगा, क्योंकि टायरिंग एक्सपीरियंस था मेरा। ओके 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 अच्छा भाई, तो फिर फाइनली दुबई चले गए आप, ठीक है, और दुबई में कैसा था इमिग्रेशन का? इट वॉज सो क्विक, लाइक मैं बाहर 10 मिनट में था, 12-10 मिनट में चले गए आप? दस ओके से 15 मिनट ओके रैपिड वैपिड करवा के सारा सब कुछ? हाँ उन्होंने करवाया, मैंने कहा उनको, उन्होंने नंबर मांगते वो रैपिड जब भी करते हो ना आप, सो
तो मैंने कहा मेरा इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटेड है, सो यू कैन टेक माय इंडियन नंबर अगर ये भी देखो, ये चीज मुझे भी इंटर। बताने वाली है लोगों को। कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, छोटी सी चीज है ये, बट कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं कि भाई रिपोर्ट कौन से नंबर पे आती है और कितनी देर में आपकी रिपोर्ट आ जाती है। तो इसका आप ही बता दो एक बार, क्या क्या सीन है। कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई, इसके बारे में पहले बता दूं आपको। वो नंबर इसलिए चाहिए ना क्योंकि आप पे आपको उस पे सिर्फ मैसेज आने वाला है कि आपने नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अच्छा, जो उसके पासपोर्ट के पीछे बारकोड लगाते हैं राइट, जी उस बारकोड से भी आपकी रिपोर्ट आ जाती है भाई। ये भी वो इसीलिए लगाया जाता है कि आपको कोई भी अगर किसी को चेक करना है तो अगर आपके पास नंबर भी नहीं है ठीक है, तो उस पर भी आप स्कैन करके चेक कर सकते हो अपनी रिपोर्ट। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। कई बंदे मुझसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि यार वो उसकी रिपोर्ट केयर कितनी देर में आती है, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं भाई इसके बारे में। अच्छा, तो फिर अभी आपने क्या अपार्टमेंट ले रखा है, बेड स्पेस है या फिर होटल है, क्या है? ये पार्टीशन लिया हुआ है मैंने, अल खेल के पास अल सफा करके मेट्रो स्टेशन है उसके नजदीक है ये। उसके नजदीक है। तो कितने की क्या कॉस्ट, अगर कुछ बताओ तो आप इसका, थोड़ा सा लोगों की हेल्प हो जाएगी यार। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई रिकमेंड टू नॉट लुक इन हियर। मेरा जो अच्छा है वो 1500 dirhams तक का जा रहा है क्योंकि अच्छा थोड़ा मुझे अलग चाहिए था जी, थोड़ा ओके, तो अलग आपका चाहिए सेपरेट था कुछ एंड काम भी यहाँ पे करना होगा होटल आपको है वहां पे राइट। ओके, जी, तो बेड स्पेस वगैरह और तो अपार्टमेंट्स वो भी वगैरह इजीली मिल जाते हैं राइट? आराम से 500, 600, 700 जितना चाहे, जैसे आपको जितना हाई जाना चाह रहे हैं वैसे जा सकेंगे आप। ओके, बट जो 400 500 तक भी, उनमें भी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सारी होती हैं। हाँ आपको किचन मिल जाएगा, आप अगर साथ में खाना बनाना चाह रहे हो साथ में बनाओ, फिर मैं मस्त लगा लो। ओके 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 ओके, तो सारी चीजें। अच्छा, तो आप अपने अपार्टमेंट तक, ये जो भी है आपका, वहां तक एयरपोर्ट से कैसे आए, बाय मेट्रो और बाय टैक्सी? बाय टैक्सी मैंने चेक करा था तो करीन से मुझे कुछ 80 dirhams का दिखा रहा था, बट आई चूज मेट्रो क्योंकि उन्होंने मुझे 25 dirhams का ये कार्ड दिया जिसमें 19 dirhams का तो अच्छा, प्लस जो जो किलोमीटर कार्ड का। आपने लिया, क्या नाम उस कार्ड का? आई गेस NOL समथिंग ऐसे और कुछ है। वो एयरपोर्ट पे मिल जाता है वो कार्ड या मेट्रो पे मिलता है? मेरा टर्मिनल जो था वो टर्मिनल 1 था एंड वहां से जब मैं बाहर आया इमिग्रेशन बैगेज वगैरह लेके, तो वहां से ऊपर की तरफ मेट्रो का गेट है, तो जैसे वहां से ऊपर जाएंगे ना वहीं पे एंट्रेंस पे ही आपको वो मिल जाएगा बूथ जहाँ पे ओके वो ओके, देते हैं। क्योंकि ये सवाल भी कई बंदे पूछते हैं कि भाई वो कहाँ पे मिलता है, तो एयरपोर्ट के बाहर ही, इन्होंने बताया टर्मिनल 1, जो भी टर्मिनल 1 पे जाएगा मेट्रो पे ही आपको वो कार्ड मिल जाएगा। वहीं से आप कार्ड दो भाई, सस्ता पड़ेगा और वो कहीं और जगह भी चलता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप उसको यूज कर सकते हो राइट। तो वो आपके लिए जी बेनिफिट है, अगर टैक्सी तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई वहाँ से, अगर कहीं पे भी आप जाते हो तो। मैं तो 8 dirhams में वहां से मेट्रो से आ गया था यहाँ पे, फिर यहाँ हाँ, से अब कैब पकड़ी कहाँ थी कहाँ पटना आया एट था। दरम और कहाँ 80 दरम राइट, बहुत ज़्यादा जी डिफरेंस डिफरेंस है। या करेक्ट ओके ओके, तो प्रथम भाई आप थोड़े दिन पहले वीडियोस फॉलो कर रहे थे और आपके मन में भी डाउट था राइट? हाँ, थोड़ा मतलब रहता है ना कि जा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत लोग जा रहे हैं, तो ऐसे ना हो यार कि सब भीड़ में मैं भी शामिल हो जाऊँ और कहीं पे वापस आ जाऊँ बिल्कुल। क्योंकि मैं लाइन डाल के बैठा तो हुआ प्रथम था। भाई इस तरीके की वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली? डेफिनेटली इट्स सो यूजफुल एंड हेल्पफुल, लाइक अगर आप जिनका कॉन्फिडेंस, जिसके पास सब डॉक्यूमेंट्स भी है बट थोड़ा रहता है ना अंदर थोड़ा, क्योंकि कैसे आप दो अच्छे वर्ड बोलो ना अंदर से थोड़ी उतनी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो आपसे मेरी बात हुई, फाइनली आपका डाउट क्लियर हो गया था और फाइनली आज आपने, मतलब आप दुबई में हो तो ऑब्वियसली अच्छा लग ही रहा होगा राइट जी वहां पहुंच के। तो जो भी यार मुंबई से आना चाहता थैंक्स अ है, लॉट। या मुंबई से आना, और एक चीज और मैं भूल गया, आपका जो वीजा था वो ऑब्वियसली 90 डेज का होगा राइट? 90 डेज का, जी मैं 90 days का लिया हुआ था। 90 डेज का वीजा है। तो भाई इनका 90 डेज का वीजा है, आप जिस हिसाब से ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो। वीडियोज में सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, कौन सा वीजा है इनके पास, कैसे इन्होंने ट्रैवल किया है एयर इंडिया से। अगर एयर इंडिया ही जा रहा है तो कोई आपको घबराने की जरूरत रिटर्न नहीं है। टिकट भी जरूर रखना। हाँ, रिटर्न टिकट भी जरूर करना भाई, मैं बोलता हूँ बंदों को, कई कई बंदों को। बट हाँ, जैसे कोई और अमृतसर से जा मोस्टली रहा है, एक चीज और, हाँ जी बताइए।
एक और चीज, एक ही पीएनआर वाली रखना मोस्टली, अच्छा वो बेटर है फॉर फास्टर फास्टर इसके लिए। जैसे मतलब ओके एयर इंडिया की कर रहे हो तो एक ही साथ दोनों रिटर्न मतलब राउंड ट्रिप करवा लेना, वरना कैसे होता है एयर इंडिया की एक और फिर इंडिगो की करोगी थोड़ी, नहीं कहीं एयर पता है इंडिया क्या वाली चक्कर करोगी होता है, फंस एयर इंडिया जाएगी की एयर आपने जानी कि एयर इंडिया करा ली और आने की कोई अपने दूसरी करा ली, तो एयर इंडिया वाले चिक चिक करते हैं, बोले कि यार आपने एयर इंडिया की क्यों नहीं कराई, इंडिया। वो ये बोलते हैं, तो ये बड़ा लफड़ा रहता है यार उधर, तो इस चीज से आप भी बचना। बाकी भाई मेरी सबसे सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इसको शेयर करना ताकि लोगों की और हेल्प हो और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिसको भी ट्रैवल करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।